जो पहले के टाइम में होता था 90s का, जो मैं फील बोल रहा हूँ, दैट इनोसेंट लव, वो थोड़ा शर्माना, थोड़ा हिचकिचाना, आई थिंक ये मोड हमने वही रखा हुआ है. आज के ज़माने में वो मोड काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलता है. सो वी जस्ट ट्राई टू रिक्रिएट द होल थिंग बाय शोइंग कि 90s अभी भी हमारे अंदर अलाइव है. एक्सपीरियंस काफ़ी मुश्किल था. हमने लेह लद्दाख में शूट किया था, ये काफ़ी टेम्परेचर प्रॉब्लम आ गई थी. हम लोग मालदीव से सीधा ले गए थे, तो हमको ना तैयारी का मौका मिला, हमको जैसे लैंड किया हमने, एक घंटे में हमने शूट स्टार्ट कर दिया, तो इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी. बट नेवरदलेस द शूट वेंट क्रेजी. डेढ़ दिन में हमने इतने सारे शॉट्स कवर किए, अगर आपने देखा होगा, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़ा ले का, कोई रास्ते नहीं छोड़े. तो वी वर लाइक ऑन द गो एवरी टाइम. हमने लंच डिनर भी सैंडविचेस किया है गाड़ी में बैठ के. सो बट इट वॉज ऑल टोटली वर्थ इट एंड द टीम एफर्ट वॉज ग्रेट. ऐसा कुछ नहीं. When a song is given to a singer, whenever a song is given to a singer or given to me, आप ना नहीं बोल सकते. आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. That's what we have learned as playback singers. आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं कि बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं गाने को. एंड द एक्टर्स हुआ देर, दे हैव डन अ ब्यूटिफुल जॉब एंड द वीडियोज लुकिंग ब्यूटिफुल. सो मेनी पीपल आर हियर टू सेलिब्रेट द सॉन्ग. तो बहुत खुशी हो रही है आज. लेट्स सी हाउ इट्स. मुझे जो कोई मेरी निशानी रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना. कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है. आज ही रिलीज़ हुई है गाना, तो अभी तक तो कुछ नहीं मिली है. बट लेट्स सी. आई होप शी हियर्स द सॉन्ग, आई होप शांतनुदा हियर्स द सॉन्ग. एंड वॉट एवर द मैसेज विल बी, इवन इफ इट इज़ अ क्रिटिसिज्म, आई टेक इट टू माई हार्ट. दैट आई मीन आई लर्न लेसन्स फ्रॉम इट डेफिनेटली, बिकॉज दे आर ग्रेट आर्टिस्ट एंड वॉट एवर दे से इट विल बी. बस मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भी लोग इस गाने को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. एंड हम सब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके गाना बनाया है, वापस बनाया है, रिक्रिएट किया है. एंड आई होप आप सब लोग को अच्छा लगे एंड ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए. गाना 2005 में जो फिल्म रिलीज़ हुई थी यहाँ, उस फिल्म का गाना है जिसको कंपोज किया है शांतनु मोइत्रा ने और गाया है श्रेया घोषाल और शान ने. एंड चैलेंजेस जो आए इस गाने को रिक्रिएट करने में वो एक ही था कि ये गाने की जो सिंप्लिसिटी है वो कहीं पर हर्ट ना हो, कहीं पर भी गाने का सेंटिमेंट हर्ट ना हो. बिकॉज बहुत ही प्यारी धुन कंपोज करी गई है, उसको जस्ट हमने एक नए वे में प्रेजेंट किया है. नए सिंगर्स ने गाया, मैंने और मधुवंती बागची ने, जो कि खुद एक बहुत ही ज़्यादा सीखी हुई और टैलेंटेड सिंगर है. पूछे जो कोई मेरी निशानी रंग ही ना लिखना, कोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम सबा लिखना. जरा जरा आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती.